नेक्स्ट कम टू कोलिनियरिटी ऑफ थ्री पॉइंट्स, तीन पॉइंट्स कोलिनियर कब कहलाएंगे? थ्री पॉइंट्स ए बी एंड सी आर सेट टू बी कोलिनियर if they lie on a straight line, if they lie on a straight line, इन पॉइंट्स को हम कोलिनियर बोलेंगे अगर वो एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं। तो अगर तीन पॉइंट कोलिनियर होंगे तो उसके लिए क्या कंडीशन रहेगी? कंडीशन फॉर थ्री पॉइंट्स टू बी कोलिनियर ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, इसमें क्या होना चाहिए? ए बी प्लस बी सी मस्ट बी इक्वल टू ए सी, और यू कैन से ए बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी सी वैक्टर का मैग्नीट्यूड मस्ट बी इक्वल टू ए सी वैक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये डिपेंड करेगा कि भी कौन सा पॉइंट बीच में है। अगर पॉइंट बी ए और सी के बीच में लाई कर रहा है तो ऐसा होगा, और अगर सी पॉइंट ए और बी के बीच में लाई कर रहा है तो क्या होगा? ए सी वैक्टर मैग्नीट्यूड प्लस सी बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड। और अगर ए पॉइंट लाई कर रहा है बी और सी के बीच में तो आप बोलोगे बी ए वैक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस ए सी वैक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी सी वैक्टर का मैग्नीट्यूड। तो हमें नहीं पता होगा क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन में तीन पॉइंट्स दे रखे हैं उनके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और हमें नहीं पता कि बी कौन सा पॉइंट बीच में है, तो सिंपली हम ए बी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, बी सी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और ए सी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो उनमें से किन्हीं दो का सम तीसरे के इक्वल आ जाएगा। तो वहाँ से हम कह सकते हैं कि बी वो तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे। तो इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन रखते हैं। क्वेश्चन ये है कि शो दैट द पॉइंट्स ए माइनस टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस फाइव के कैप, सेकेंड पॉइंट बी आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप एंड सी पॉइंट सेवन आई कैप। आगे